Hello everyone, today I am presenting here. Now my topic is neoteny and pediogenesis. Firstly, I will tell you this is a very important topic for the MSc final year classes and BSc second year classes and also the BSc second year honors zoology. ये बहुत ही important topic है और बहुत ही ज़्यादा ये questions exam में practicals में examiner पूछते हैं. सबसे पहले आप लोगों को बता दें कि neoteny और pediogenesis को as they have phylum amphibians में पढ़ते हैं. ये उनकी स्पेसिफिक प्रोसेस है. तो क्या है, सबसे पहले हम लोग एक एक पॉइंट्स को ऐसे यहाँ पर आइडेंटिफाई करें. यू कैन सी मैंने सबसे पहले लिखा रखा है यहाँ पर ऑलरेडी नियोटैनी. फर्स्टली नियोटैनी क्या है तो आप लोगों को बता दें, एक वर्ड में अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें, नियोटैनी जो है वो हमारे एम्ब्रियोनिक टू एडल्ट यानी एम्ब्रियोनिक स्टेज से एडल्ट में आने की प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, ऐसे नियोटैनी कहते हैं. वही इसको हमारे जिनका नाम था कॉलमन. कॉलमन ने इसको 1954 में एज ए नाम दिया था एज ए नियोटेनी. नियोटेनी इसका मतलब एम्ब्रियोनिक टू एडल्ट पे आने की प्रोसेस को हम लोग यहाँ पर मॉर्फोलॉजिकल नहीं कह सकते या मेटामॉर्फोसिस नहीं कहते. मेटामॉर्फोसिस अलग है. यहाँ पर क्या है, एम्ब्रियोनिक स्टेज से एडल्ट के करेक्टर रिप्रेजेंट हो जाए, दैट इज कॉल्ड नियोटेनी. दूसरा यहाँ पर दिया गया है पेडियोजेनेसिस. जैसा कि पेडियोजेनेसिस एक प्रोसेस है, क्या प्रोसेस है, तो पेडियोजेनेसिस में क्या है कि सेक्सुअली करैक्टर्स यानी रिप्रोडक्टिव करैक्टर्स रिप्रेजेंट होने की प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, पेडियोजेनेसिस कहते हैं. यानी किसी एनिमल्स में करैक्टर्स डेवलप हो गए हैं सेक्सुअली, दैट इज कॉल्ड पेडियोजेनेसिस. अगर हम सबको एक डेफिनेशन में समझना चाहें तो सिंपली वे में कह सकते हैं कि एनिमल्स के लार्वल स्टेज में सेक्सुअली करैक्टर्स या सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस होने की प्रोसेस के लिए वो रेडी हो, उस प्रोसेस को हम लोग क्या कह सकते हैं, नियोटेनी कह सकते हैं. बेसिकली ये हमारे एम्फीबियंस का मेन करैक्टर्स है. देन इसके बाद हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है कि इमैच्योर यानी लार्वा जो होगा वो इमैच्योर होगा. जब वो मैच्योर करैक्टर्स में आ जाता है तो हम दूसरी थिंग्स ऐसे भी कह सकते हैं कि इमैच्योर से मैच्योर आने की प्रोसेस को हम लोग नियोटेनी या पेडियोजेनेसिस कह सकते हैं. उसके बाद आएगा कि रिप्रोडक्टिव. तो यहाँ पे जब रिप्रोडक्शन करेंगे यानी एनिमल्स जो होंगे लार्वल स्टेज में होंगे तो ये रिप्रोडक्शन की प्रोसेस करेंगे तो इनमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स तो डेवलप होंगे ही होंगे. साथ ही साथ रिप्रोडक्टिव रिप्रोडक्शन की प्रोसेस तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक उनमें कुछ हार्मोन्स सीक्रेट ना हो. तो यहाँ पर क्या है, ये TSH यानी TSH हार्मोन्स जो है वो रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स है, ये सीक्रेट होने स्टार्ट हो जाते हैं एज ए लार्वल स्टेज में. तो उस रिप्रोडक्शंस की प्रोसेस जो है, देन इसके बाद हम लोगों ने यहां लिख रखा है एनवायरमेंटल फैक्टर्स. एनवायरमेंटल फैक्टर्स की बात करें तो एनवायरमेंट्स में डिफरेंट टाइप्स के हमारे न्यूटेनी प्रेजेंट करने का एक फैक्टर्स है बिकॉज़ ये एफिनिटी अपने अफेक्टिंग फैक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं. जो अफेक्टिंग फैक्टर्स होंगे वो ऐसे डिपेंड करता है कि जो उनका एडेप्टेशन कहां है, एनवायरमेंटल कंडीशंस क्या है, उसके बेस पर हमारा एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो है अफेक्टिंग न्यूटेनी को रिप्रेजेंट करेगा. ये कंडीशन एनिमल्स के थ्रू रिप्रेजेंट होती है. देन साइलेंट नेचर ऑफ द वाटर. साइलेंट नेचर ऑफ वाटर दैट मींस कि जहां पर इनका एडेप्टेशन होता है वो कहीं ना कहीं एक्वाटिक एनिमल्स और टेरेस्ट्रियल दोनों होंगे. यानी हम लोग बार बार कह रहे हैं कि एम्फीबियंस के करैक्टर से तो एम्फीबियंस का मेन करैक्टर ही है. एम्फी वर्ड जो है दो वर्ड से मिला है, एम्फी मतलब बोथ लैंड एंड एक्वाटिक. लैंड एंड एक्वाटिक दोनों करते हैं तो कहीं ना कहीं नेचर ऑफ द वाटर यानी साइलेंट नेचर वाटर में जो जहां इनका एडेप्टेशन होगा वहां पर ये करैक्टर्स ही ये रिप्रेजेंट कर सकते हैं. देन उसके बाद हमारा जेनेटिक बेसिस फॉर द मेटामॉर्फोसिस यानी इनमें जो जो ये प्रोसेस न्यूटेनिक प्रोसेस हो रही है, क्यों हो रही है, बिकॉज इनको जेनेटिक करैक्टर्स को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ले जाने के लिए ये मेटामॉर्फोसिस की ही तरह ही वर्क करते हैं. देन फिजियोलॉजिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली यानी जो न्यूटेनिक प्रोसेस है इसका मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होना, दैट मॉर्फोलॉजिकल एंड उनमें जो प्रोसेस होना जैसे हार्मोन्स उनमें सीक्रेट हो रहे हैं, TSH हार्मोन सीक्रेट हो रहा है, इस प्रोसेस को दैट मींस फिजियोलॉजिकल. यानी मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल करैक्टर दोनों एज ए लार्वल स्टेज में परफॉर्म होने के हम न्यूटेनी या पेडियोजेनेसिस कह सकते हैं.
बॉडी की बात करें तो इनकी बॉडी पर सेगमेंटेशन रिप्रेजेंट होते हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रंक रीजन। ट्रंक रीजन के साइड में देखेंगे तो यहाँ पर लगा हुआ है हमारे लिम्स। कौन से लिम्स? पीछे वाले पैर को हम लोग कहते हैं हिंड लिम्स या हाइंड लिम्स। हाइंड लिम्स जो है और फोर लिम्स है, दे आर पेन। ऐसे हम लोग बात करें तो इनमें आप लोग देख पा रहे हैं कि ये ऐसे डिजिट फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रहे हैं। पीछे की साइड का ये दिस इज द एज ए टेल रीजन। टेल रीजन यानी इसको हम लोग क्वार्टर फिन्स कहते हैं और ये हमारा हो जाएगा एज ए टेल रीजन। उसके बाद अगर हम बात करें इसके पूरी मॉर्फोलॉजी के अलग कैरेक्टर्स की, तो इसमें क्या है, ये सारे कैरेक्टर यानी ये लार्वा जो है वो लार्वल स्टेज में रिप्रोडक्शन प्रोसेस करने कर सकता है और अपनी लाइफ साइकिल को आगे ले जा सकता है। इसीलिए हम इसको कहते हैं ये कौन एक्सोलोटल लार्वा में हो रही प्रोसेस, इसीलिए हम इसको कहेंगे नियोटेनी इन एक्सोलोटल लार्वा।